आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भाई भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी हीरोज हैं उनमें सबसे बढ़िया बॉडी किसकी है। तो भैया अभी तक हम फिल्मों की बातें कर रहे थे, गानों की बातें कर रहे थे, बॉडी की भी बातें कर लेते हैं क्योंकि अब भोजपुरी में घुस गए तो सब चीज़ ही देख लेते हैं। भोजपुरी की के एक्टर्स के कितनी मेहनत कर रहे हैं अपनी फिजिक्स के लिए, अपनी सेहत के लिए, अच्छा दिखने के लिए, ये सब एक्चुअली में एक एक्टर का, एक कलाकार का काम होता है जो पर्दे पर दिखाई देता है। उसको रहता है कि वो अच्छा दिखना चाहिए, तो देखते हैं वो अच्छा दिखने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और कौन कहां तक पहुंचा है इस मामले में। तो शुरू करते हैं भाई, गो। हेलो दोस्तों, ये वीडियो छलिया चैनल छलिया अस्त्र का है। दोस्तों क्या आपको पता है भोजपुरी सब्सक्राइब करें में सबसे ज्यादा खतरनाक बॉडी किस भोजपुरी सुपरस्टार एक्टर का है? और इस बात को हम आपको ऐसे ही नहीं बताएंगे बल्कि इस साल की रिपोर्ट के मुताबिक ही बताएंगे। इस लिस्ट में हम भोजपुरी के टॉप 10 भोजपुरी हीरो को शामिल किए हैं। दोस्तों जिस प्रकार बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड के हीरो अपना खतरनाक बॉडी में नजर आते हैं, उसी प्रकार हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में भी अब बॉडी बनाने का प्रचलन बिल्कुल ही अच्छे ढंग से शुरू हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि भोजपुरी में सबसे खतरनाक बॉडी किसका है। इस लिस्ट में नंबर 2 और नंबर 1 पर जो सुपरस्टार है उसके बारे में आप जानने के बाद हैरान तो पक्का ही हो जाओगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। नंबर 10 रितेश पांडे। भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही उभरते एक्टर रितेश पांडे भी अपने बॉडी के पीछे काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ खास बॉडी नहीं बना पाए हैं क्योंकि ये ज्यादातर समय अपने गाने और फिल्मों के पीछे लगा रहे हैं। वर्तमान समय में पर डे रितेश पांडे आधा से एक घंटा वर्कआउट करते हैं और बॉडी के मामले में भोजपुरी इंडस्ट्री में 10वें नंबर पर हैं। नंबर 9 रवि किशन। मतलब भोजपुरी भाषा के एक्टिंग के गॉड कहे जाने वाले रवि किशन अपने बॉडी पर कुछ ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी रवि किशन अपना पेट भी निकला हुआ है साथ में, एक घंटा के ऊपर वर्कआउट करते हैं और इनका बॉडी भोजपुरी इंडस्ट्री में 9वें नंबर पर है। नंबर 8 यश मिश्रा। भोजपुरी दर्शकों पर अपने एक्टिंग के दम पर जगह बनाने वाले यश मिश्रा अपने बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। यश मिश्रा ज्यादातर अपने फिल्म के शूटिंग में ही बिजी रहते हैं, इसलिए जिम में सिर्फ एक घंटा ही समय बिता पाते हैं और यश भी बॉडी के मामले में 8वें नंबर पर आते हैं। नंबर 7 प्रदीप पांडे चिंटू। भोजपुरी के बहुत ही खतरनाक एक्टर प्रदीप पांडे चिंटू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अब बॉडी वाले हीरो का ही ट्रेंड चल रहा है और मुझे भी बॉडी जल्दी ही बना लेना चाहिए, लेकिन चिंटू अभी तक कुछ खास बॉडी नहीं बना पाए हैं क्योंकि चिंटू अपने फिल्म के शूटिंग में ही बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। प्रदीप पांडे चिंटू जी में एक घंटा के करीब ही बिता पाते हैं। चिंटू का बॉडी भोजपुरी इंडस्ट्री में 7वें नंबर पर है। नंबर 6 अरविंद अकेला कल्लू। भोजपुरी इंडस्ट्री के चॉकलेटी बॉय कहे जाने वाले अरविंद अकेला कल्लू कम ही वर्कआउट करते हैं। अरविंद अकेला कल्लू कहते हैं मुझे ज्यादा रनिंग करना पसंद है। कल्लू जी में एक घंटा से 1.5 घंटा के करीब वर्कआउट करते हैं और अरविंद अकेला कल्लू का बॉडी 6वें नंबर पर है। नंबर 5 निसार खान। बहुत कम लोगों को ही पता होगा निसार खान के बारे में क्योंकि इनका बहुत कम ही अभी तक भोजपुरी में फिल्म आया है, लेकिन निसार खान का बॉडी पूरे भोजपुरी हीरो में से 5वें नंबर पर आता है। नंबर 4 विक्रांत सिंह राजपूत। विक्रांत सिंह राजपूत ने अपना पहचान भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत मेहनत से बनाया है। विक्रांत सिंह के एक्टिंग को देखने के बाद हैरान तो आप भी पक्का ही हो जाओगे क्योंकि बंदे के एक्टिंग में सही में दम रहता है और विक्रांत सिंह का बॉडी पूरे भोजपुरी में 4वें नंबर पर आता है। अभी भी इसे नहीं पहचाने हो क्या? यही तो है मोनालिसा का पतिदेव। नंबर 3 विराट भट्ट। बहुत ही दबंग एक्टर विराट भट्ट ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार बॉडी बनाने का प्रचलन शुरू किया था और विराट भट्ट का बॉडी पूरे भोजपुरी हीरोज में वर्तमान समय में 3रे नंबर पर आता है। कुछ समय पहले इनका बॉडी नंबर 1 पर आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सभी लोग एक्टिव हो चुके हैं और विराट भट्ट बॉडी के मामले में 3रे नंबर पर पहुंच चुके
चुके हैं। नंबर टू पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह का बॉडी भोजपुरी हीरो में दूसरे नंबर पर आता है। पवन सिंह जिम में 1 घंटा से 1.5 घंटा समय बिताते हैं। जब से बॉडी वाला लिस्ट सामने आया है तब से पवन सिंह भी बॉडी के पीछे काफी मेहनत कर रहे हैं। नंबर वन खेसारी लाल यादव, भोजपुरी के दबंग स्टार के नाम से पुकारे जाने वाले खेसारी लाल यादव बॉडी बनाने के मामले में नंबर वन से और टू से मैं अग्री करता हूं, भी अग्री करता हूं। खेसारी लाल का कहना है, मैं कहीं भी रहूं मैं तो वर्कआउट करूंगा ही। दोस्तों आप इन दसों में से किसके वीडियोस भी देखे वाले फैन हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। पिछले वाले वीडियो में मैंने कहा था कि देखते हैं सबसे ज्यादा कमेंट किसके फैन कर पाए। तो भाई छलिया अस्त्र का ये वीडियो था और बहुत ही कमाल का इन्होंने वीडियो बनाया है, क्योंकि एज्यूम नहीं किया इन्होंने, एक्चुअली में इन्होंने उनकी बॉडी देख के बस एक जो खटक रहा है मुझे वो है रवि किशन उनकी जो बाइसेप्स देख के मुझे लगा कि उनको कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5वें या 6ठे नंबर पर रखना चाहिए था। 9वें नंबर पर रखना आई थिंक गलत है, क्योंकि उनकी बॉडी अलग ही नज़र आ रही है कि भाई बंदे ने काम और वो भी इस एज में लाइक 50 के ऊपर है वो, और इस एज में अगर वो इतनी अच्छी बॉडी बना रहे तो आई थिंक उनका नंबर गलत है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताना, मुझे लगता है बुद्धि तो पूरी तरह से गलत लगता है। कहाँ यश कुमार या सबसे तो भी ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि उनकी बॉडी इस एज में इतनी बढ़िया बॉडी बनाना वेरी डिफिकल्ट, और उन्होंने बनाई है तो मानना पड़ेगा यार, क्योंकि उनके बाइसेप का साइज देख के लग रहा है यार कि उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी। बिल्कुल यार। हाँ हो सकता है थोड़ी तोन निकल रही होगी उनकी, लेकिन यह भी है कि उन्होंने मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ नंबर वन और नंबर टू से मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि नंबर टू से मस्कुलर बॉडी है पवन सिंह की हम मानते हैं, लेकिन बढ़िया बॉडी वो कही जाती है जिसका शेप भी बहुत शानदार हो। पवन सिंह की जो बॉडी है ना वो रफ टफ है, रफ टफ मतलब समझते ना उठा के फेंक देने वाली, और वहीं पे खेसारी लाल यादव की जो बॉडी वो बिल्कुल विद इन शेप है, जैसे वी शेप कहा जाता है। अगर आप किसी भी जिम में जाएंगे ना तो वहाँ बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, हमने भी जिम ज्वाइन किया था कुछ महीनों के लिए तो हमें पता वहाँ जिम में फोटो लगे होते और वी शेप वाली बॉडी रहती है सब जगह, तो खेसारी लाल की बॉडी कुछ उसी तरह की वी शेप में नज़र आती है। तो उनका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर ये मतलब सीना चौड़ा कमर पतली एब्स दिख रहे हैं पूरे बराबर नज़र आ रहे हैं, तो अभी की नज़र में मेरे लिए भी खेसारी लाल यादव नंबर वन पे है। तू भी यही एग्री है? भी खेसारी लाल यादव, लेकिन तीन पे मेरी तरफ से रवि किशन होने चाहिए थे। बाकी वो जो एक और निसार खान करके नंबर बंदा बताया था उसकी बॉडी भी काफ़ी अच्छी नज़र आई, वो स्लिम एंड फिट बॉडी थी जिसका कहा जाता है। फर्स्ट टाइम देखा मैंने। हाँ मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा, अच्छी थी। और बताया जा रहा कि विराट भट्ट जो है वो मतलब सबसे पहले बॉडी बनाना शुरू ही उन्होंने किया था, इससे पहले कोई बॉडी बनाता ही नहीं था भोजपुरी इंडस्ट्री में। और सही बात है, पहले तो ऐसे रहते थे सब बड़े बड़े भारी भारी पेट बाहर रहता था और हीरो बन के घूम रहे थे सब, लेकिन हाँ विराट भट्ट के जो पुराने फोटोज़ दिखाए हैं इसमें तो उसको देख के लग रहा कि हाँ वो उस टाइम से बॉडी बनाना शुरू कर दिए थे। तो यार ये थी लिस्ट, आप लोगों को क्या लगता है नंबर्स में क्या ऊंचा नीचा होना चाहिए आप लोग बताइए। हमने हमारी राय रखी, छलिया जी की राय सुनी हमने और उनकी राय हमें कहीं हद तक सही लगी, बस एक नाम गलत लगा जो कि रवि किशन का था, हमने बता दिया। आप लोगों को क्या लगता है रवि किशन को कौन से नंबर पर होना चाहिए था कमेंट करके बताना, और क्या लगता है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव क्या ये जो नंबर ही है हमारे ख्याल से तो सही है, आपके ख्याल से क्या गलत है या गलत है तो क्यों गलत है रीज़न आप बताइएगा कमेंट करके। और अच्छा लगा तो यार प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। मेक लव नॉट वॉर।